वही हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण करने में कई बड़े पेड़ों को काटने की सूचना पर आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ब्लूटिया ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट ओएपी वाजपेयी के संबंध में ज्ञापन भी दिया। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से यह मांग रखी है कि पेड़ों को ना काटा जाए, प्रशासन सड़क चौड़ीकरण को लेकर दूसरा विकल्प भी देखे। वही सिटी मजिस्ट्रेट एवी वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण में जो भी पेड़ आ रहे हैं उनको लेकर जिला प्रशासन बेहद संवेदनशील है। सड़क चौड़ीकरण के आसपास जितने भी पेड़ आ रहे हैं उनको काटा नहीं जाएगा, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर काम किया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण का कोई विरोध नहीं करता है, परंतु जब उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं शहर के अंदर तो पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल मानना है, आज हम जो ज्ञापन इसी संबंध में दे रहे हैं। दूसरा मेरा कहने का मतलब एक ये भी है, आप ये समझिए कि एक सड़क में एक पेड़ को 50 साल लगते हैं और एक बिल्डिंग को बनाने में मुश्किल से 2 साल लगते हैं। तो मेरा कहना तो है भाई, अगर सड़क चौड़ी बिल्डिंग बना करके होती है तो बिल्डिंग बना करके सड़क चौड़ी कर दीजिए, ना कि पेड़ काट करके। पर्सनल मानना है, देख रहे हैं उस पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य करने की बात कही जा रही है, और जो सड़क किनारे जो बहुत पुराने विशालकाय वृक्ष हैं और उनके पातन की बात की जा रही है और उनको पुनर्स्थापित करने की बात की जा रही है, प्रत्यारोपण की बात की जा रही है। तो हमारा इसमें ये मानना है, क्योंकि आज तक भी प्रशासन द्वारा पूरा रोड मैप जो है वो जारी नहीं किया गया है कि ये रोड चौड़ी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, और यदि ये चौड़ी सिर्फ नारीमैन से लेके कुछ रानीबाग तक हो रही है तो उसके आगे का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर चौड़ी सड़क है और आगे जाके वो संकरी हो जाएगी तो फिर क्या वो जाम स्थल नहीं बनेगा। और इसके अलावा जो वृक्ष जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जीवन देते हैं, और अगर वृक्ष हैं तो हम हैं, लेकिन ऐसे वृक्षों को काटना, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश दिया है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए, यहाँ तक कि जो आपका कोर्ट को शिफ्ट करने की बात आई तो पेड़ों के कटान के खिलाफ में हाई कोर्ट का अपना आदेश जारी किया था, और ऐसे में हम देख रहे हैं किस तरह से ग्रीष्मकाल में पारा बढ़ा। उसने साफ चेतावनी दी है हमारे सारे समाज को कि आप वृक्ष ना काटे, वृक्ष लगाएं, और ऐसे में अनप्लान्ड वे में बिना रोड मैप के पेड़ काटना, क्या ये समस्या का निराकरण होगा? हमारा ये मानना है, हमने सारी बात उस ज्ञापन में रखी है, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्रॉस रोड पे है जहाँ पर क्रॉसिंग है, क्या चौड़ीकरण से क्या जाम की स्थिति पैदा नहीं होगी? शहर में 13 चौराहों का चौड़ीकरण सुधारीकरण का काम चल रहा है, उसमें हमें वार्निंग करनी है। कई जगह जो पेड़ हैं वो छपान भी हुआ था, जिलाधिकारी महोदय इसको लेकर बहुत संवेदनशील हैं, उनके द्वारा फिर ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो पाकड़ है, पीपल है या अन्य जो महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्ष हैं उनको काटने के बजाय हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, रिलोकेट करेंगे। उसके लिए वन विभाग के साथ बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है, और लगभग शहर के विभिन्न स्थानों पर 40 से अधिक संख्या के पेड़ ऐसे हैं जिनको काटने के बजाय अब ट्रांसप्लांट करने का निर्णय लिया गया है।